मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए कई पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। खास बात यह है कि मेरठ में पलायन की खबरों के बीच वहां के आईजी और एसएसपी को भी हटा दिया गया है। गाजियाबाद, आगरा, संत कबीर नगर, बाराबंकी समेत कई जिलों की कमान नए कप्तान को दे दी गई है। योगी सरकार ने 5 आईजी और 5 डीआईजी का भी तबादला किया है। आपको बता दें कि यूपी के मेरठ से हिंदू परिवारों के कथित पलायन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया भी दी थी। उन्होंने कहा था कि अब हम सत्ता में आ गए हैं, अब कौन पलायन करेगा। कुछ लोग निजी कारणों से इलाका छोड़ सकते हैं, लेकिन पलायन जैसी कोई बात नहीं है। कोई पलायन नहीं है उत्तर प्रदेश में। हम लोगों के आने के बाद कौन पलायन करेगा। स्थानीय कुछ बातें उनकी आपसी विवाद की हो सकती हैं। इस तरह की खबरें आ रही थी कि मेरठ शहर के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रहलाद नगर में 200 हिंदू परिवारों में कुछ अपना घर छोड़कर जा रहे हैं या कुछ जा चुके हैं और कुछ मकानों पर बिकाऊ लिखा है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि मेरठ से कोई पलायन नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मेरठ के रहने वाले लोगों का आरोप है कि यहां पर बहुसंख्यक समाज की महिलाओं से छेड़छाड़, पर्स और चेन स्नेचिंग की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। अगर विरोध किया जाता है तो मारपीट की नौबत आ जाती है और इन्हीं घटनाओं की वजह से इनका यहां रहना मुश्किल हो गया है। साथ ही स्थानीय लोगों ने ये भी आरोप लगाया था कि पुलिस प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और इन्हीं शिकायतों के बाद सीएम योगी ने मेरठ पलायन पर बड़ी कार्रवाई की है। इस खबर पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।